कश्मीर में शांति पाकिस्तान की शह पर पलने वाले आतंकी संगठनों को खटकने लगी है। कश्मीरी जनता ने जब दहशतगर्दों का साथ नहीं दिया तो आतंकी संगठनों ने अब उन्हें डराना धमकाना शुरू कर दिया है। शोपिया के बाद श्रीनगर में धमकी के पोस्टर लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटे हुए 35 दिन बीत गए। श्रीनगर की सड़कें अब भी सूनी हैं, शांति बहाल है, लेकिन आम लोगों के खौफ के रूप में शहर की दीवारों पर रहस्यमय रूप से धमकी भरे पोस्टर उभर आए। आतंकी संगठन अल बदर ने इस पोस्टर के माध्यम से आम लोगों और कारोबारियों को कई हिदायतें दी हैं। पोस्टर में कहा गया है, दुकानदार सुबह 8:30 बजे तक ही दुकान खोलें, पुलिस वालों के परिजनों का बहिष्कार करें, किसी तरह का कारोबार न कर पूरी तरह हड़ताल रखें। श्रीनगर शहर के साथ साथ कश्मीर के कई इलाकों में एक बार फिर अलबदर के पोस्टर नमूदार हुए हैं। इन पोस्टरों पर लोगों से कहा गया है कि वो दुकानें बंद रखें, किसी तरह का व्यवसाय न चलाएं और पूरी तरह से हड़ताल करें, और उसका असर कश्मीर में दिख भी रहा है। जाहिर है कश्मीर की शांति से आतंकी संगठन बौखलाए हुए हैं और वो इन पोस्टरों के जरिए डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। पिछले महीने आतंकियों ने डर का माहौल बनाने के लिए एक दुकानदार की हत्या कर दी थी, लेकिन जब इससे भी लोगों का जज्बा कमजोर नहीं पड़ा तो धमकी के पोस्टरों पर उतर आए। इससे पहले शनिवार को शोपियां में हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें सरकारी कर्मचारियों, ट्रांसपोर्टरों और सेब के कारोबारियों को धमकी दी गई थी। बहरहाल लगातार 35वें दिन कश्मीर की हालत शांतिपूर्ण बनी हुई है। आज भी जगह जगह पे जो सुरक्षा बल है वो तैनात है। सड़कों पे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दिख रहा है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं नजर नहीं आ रहा है। स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स को खुला रहने के जो आदेश हैं वो दे गए हैं, लेकिन बच्चे स्कूलों में नहीं अभी तक जा रहे हैं। कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी मोबाइल कनेक्टिविटी की है। मोबाइल टेलीफोन सेवा शुरू न होने से लोग परेशान हैं। हालात बहुत खराब है, न मोबाइल सिस्टम न कुछ। यहाँ वो लोगों को घरों में बंद करके रखे हैं, बाहर भी नहीं देते। कल शाम को गाड़ी के शीशे तोड़ दिए मालूम में जाकर। आम लोगों की परेशानी समझी जा सकती है, लेकिन जिस तरह धीरे धीरे पाबंदियाँ हटती जा रही हैं, उम्मीद कीजिए कि मोबाइल की घंटियाँ भी जल्द ही बजने लगेंगी। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। लगातार 35वें दिन कश्मीर में शांति है। उधर घुसपैठियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज असम में बड़ा बयान दिया है। शाह ने कहा है कि असम ही नहीं बल्कि देश के किसी भी हिस्से में घुसपैठ किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। घुसपैठियों को निकाला जाएगा। एक भी घुसपैठिया असम के अंदर रह भी नहीं पाएगा और दूसरे राज्य में घुस भी नहीं, क्योंकि हम सिर्फ असम को घुसपैठे से मुक्त करना नहीं चाहते, पूरे देश को घुसपैठियों से मुक्त करना चाहते हैं। दो टूक बयान, चाहे असम हो या देश का कोई भी हिस्सा, बर्दाश्त नहीं होगा घुसपैठिया। गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि अवैध रूप से रह रहे लोग निकाले जाएंगे। सिटीजन रजिस्टर में 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ तारीख बदली नहीं जाएगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो भारत सरकार की कल्पना में है, उसमें 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ डेट हमारे मन में बहुत स्पष्ट है। 1/2014 31 दिसंबर तक जो आए हैं इनके लिए। अनुच्छेद 371 पर एक बार फिर असम के लोगों को आश्वस्त करते हुए शाह ने कहा कि 370 की तरह इसे बदला नहीं जाएगा। आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन था और 371 स्पेशल प्रोविजन है, नॉर्थ ईस्ट का अधिकार है, इसको कोई छूने। शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट की कदर नहीं की, इसलिए ये इलाका लंबे समय तक उग्रवाद से जूझता रहा। बैठक में शिरकत करने से पहले अमित शाह ने कामाख्या मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। उनके साथ मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और कैबिनेट मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा भी थे। असम में एनआरसी लिस्ट जारी होने के बाद शाह की ये पहली असम यात्रा है। आज तक ब्यूरो। वहीं आरक्षण पर कई बार घिर चुके आरएसएस ने आखिरकार साफ कर दिया है कि जब तक लोगों को जरूरत है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए,
ये बातें आरएसएस की 3 दिन की बैठक के बाद कही गई हैं। आरएसएस की 3 दिनों की इस बैठक में राष्ट्रवाद का मुद्दा भी छाया रहा। आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक चल तो रही थी राजस्थान के पुष्कर में, मगर दिल्ली में बैठे राजनीति के दिग्गजों की निगाह इस बैठक पर थी। आरक्षण पर आरएसएस प्रमुख की ओर से कई बार बयान आए थे। माना जा रहा था कि इस बैठक में भी आरक्षण पर कुछ फैसला लिया जाएगा। बैठक में आरक्षण पर बात तो हुई, मगर क्या बात हुई सुनिए। आरक्षण के दृष्टि से जब तक का अस्पृश्यता आरक्षण की आवश्यकता है और आरक्षण जो पा रहे हैं वो लोग हमें चाहिए कहने तक का इसकी आवश्यकता रहेगी। नहीं हो सकता, मतलब फिलहाल आरक्षण खत्म करने को लेकर संघ ने कुछ नहीं कहा है। जैसी व्यवस्था बनी हुई है वैसी ही बनी रहेगी। अलबत्ता आर्टिकल 370 के बहाने आरएसएस ने राष्ट्रवाद का कार्ड चल दिया। राष्ट्रवाद के एक बहुत प्रखर एवी है अमरनाथ आंदोलन ना, एक सफल आंदोलन जो हुआ वहाँ के लोगों के अंदर के राष्ट्रवाद के कारण ही हुआ। अब ऐसे है कि वहाँ हम राष्ट्रवादी राष्ट्र विचार से ये कहने के लिए भी एक भय का वातावरण बना के रखा था इन लोगों ने, उससे वो मुक्त हो जाएंगे। इसलिए एक दृष्टि से उनके विमोचन है, हमारा काम तो चलता ही रहेगा। दत्तात्रेय होशबोले ने एनआरसी, मदरसों और मॉब लिंचिंग पर भी सीधा जवाब दिया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आरएसएस की इस 3 दिन की बैठक में राष्ट्रवाद का मुद्दा छाया रहा। देवंकुर, पुष्कर, आज तक। उधर जमीन हथियाने के आरोपों में फंसे आजम खान के परिवार पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के घर आज नोटिस चस्पा किया गया है। आजम खान की पत्नी और दोनों बेटों को थाने आकर अपनी बात रखने को बोला गया है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के धाकड़ सांसद आजम खान के परिवार के लिए ये मुसीबतों वाला नोटिस है। आजम की पत्नी तजीम फातिमा और दोनों बेटों अब्दुल्ला और अदीब के नाम से घर की दीवार पर स्थानीय प्रशासन ने नोटिस चिपकाया है। ये तीनों जौहर ट्रस्ट के सचिव हैं। नोटिस में आरोप है कि किसानों की जमीन कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी खड़ी की गई है। इस संबंध में राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार ने 29 जुलाई को केस दर्ज किया था। पूरे परिवार को सम्मन भेज दिया गया और कहा गया है कि उपलब्ध क्या कराएं, 10 बजे तक रामपुर थाने में जाकर के अली जौहर विश्वविद्यालय की जो भूमि है उसका प्रमाणित नक्शा भी दें, जो जमीन के बैनामों की कॉपी है वो मुहैया कराई जाए, साथ ही चेक दिया गया, कैश लिया गया, जो लखनऊ में ट्रस्ट की मीटिंग हुई उसकी डिटेल दी जाए, ट्रस्ट को कितना डोनेशन मिला वो मुहैया कराया जाए, और उसके साथ साथ बैंक खाता, पैसा, लेन देन, अस्थायी अस्थायी सारी संपत्ति, यानी अली जौहर यूनिवर्सिटी का सारा चिट्ठा समन किया गया, कहा गया कि जल्दी से जल्दी मुहैया कराया जाए। और देखिए, जो शिकायतें हमारे पास आई हैं उन शिकायतों पे कार्रवाई की गई है, जहां जहां भी तथ्य प्रमाणित पाए गए हैं। और यहां पे किसी द्वेष भावना की बात ही नहीं है, इसमें सिर्फ शिकायतकर्ता की शिकायत आई है, उस पर जांच हो रही है। अभी जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंगली आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन की भी इजाजत मांगी है समाजवादी पार्टी ने 11 तारीख को तहसील पर। हाँ, प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई है, कई और भी लोग हैं जिनके द्वारा ये अनुमति मांगी गई है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन हम लोग मिलकर के इस पर विचार कर रहे हैं, जो निर्णय होगा उसके बारे में टाइम अवगत कराएं। क्या और भी मामलों में आजम खान के खिलाफ फाइलिंग खोली जा रही है, और भी शिकायतें आई हैं उनके खिलाफ? देखिए, वो शिकायतकर्ताएं ने जो शिकायतें दी हैं उन शिकायतों पे जांच चल रही है। कुछ ऐसे हैं जिसमें के तथ्य कुछ प्रमाणित हुए हैं प्राइम ऑफिस से, उसमें एफ आई आर दर्ज की गई है, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, सभी की पीड़ितों की स्टेटमेंट ली गई है, और जो जिनके ऊपर आरोप हैं, जो जौहर ट्रस्ट के जो लोग हैं उनके ऊपर आरोप है, उनसे भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट अभी किए जा रहे हैं। आजम खान को संबल देने के लिए आज एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले प्रशासन ने मुहर्रम और गणेश चतुर्थी की संवेदनशीलता को देखते हुए रामपुर में धारा 144 लगा दी। अखिलेश को एसपी कार्यकर्ताओं से मिलने की इजाजत दी गई, लेकिन किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। इसे देखते हुए अखिलेश ने 2 दिन के लिए दौरा टाल दिया। राजनीतिक इतिहास में नेताजी के अलावा किसी बड़े नेता पर इतने मुकदमे एक साथ दर्ज नहीं हुए होंगे। कई ऐसे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जिनकी जानकारी किसी को है ही नहीं। 10-10 साल, 12-12 साल पुरानी चीजों को खोद करके, निकाल करके, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है सुरक्षा का इंतजाम करना, और वो जानबूझ करके इस तरह का माहौल प्रशासन ने बनाया है
क्योंकि वो नहीं चाहते कि रामपुर में कोई सच्चाई जाने। कथित तौर पर जमीन हथियाने के मामले में आजम खान के खिलाफ पिछले 2 महीने से स्थानीय प्रशासन एक्शन में है। उनका नाम भूमाफिया रजिस्टर में शामिल कर उनके खिलाफ धड़ाधड़ 60 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज कर लिए गए। रामपुर से आशुतोष मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। तो कुल मिलाकर आजम खान एंड फैमिली की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उधर दिल्ली का लुटियन जोन, वहां लेकर चलते हैं आपको, जो कि एक बेहद पॉश इलाका है। इस इलाके में वीवीआईपी रहते हैं, मगर इस इलाके में बंदरों ने डेरा डाल लिया है। आलम यह है कि यहां पर रहने वाले हर वक्त बंदरों से डरे हुए हैं, क्योंकि बंदर आए दिन किसी ना किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। बंदर के ताजा शिकार हुए हैं राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा। बंदर तो बंदर है, उसे क्या मालूम कि सामने वाला मंत्री है कि संतरी, विधायक है कि सांसद। उसका मन किया तो सामान झपट लिया और गुस्साया तो काट लिया। और इस बार एक बड़े बंदर ने काट लिया है बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा को। लेकिन इसका एक समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य और जीवन दोनों पर खतरा पैदा हो रहा है। और पिछले दिनों मैं भी इसका 28 तारीख को शिकार हुआ और मेरे 3 स्टाफ सिर्फ काम छोड़कर चले गए, इसलिए छोड़कर चले गए कि उनको बंदरों ने उन पर हमला किया था। वे अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो बिना बंदरों के प्रति किसी प्रकार की बर्बरता दिखाए कोई न कोई समाधान तो निकालना ही होगा। बताइए भला, बंदर ना हुए उछलते कूदते परेशानी हो गए, वरना खौफ नहीं होता तो राकेश सिन्हा के घर 3 नौकर सिर्फ बंदरों के खौफ के चलते थोड़ी चले जाते। वैसे राकेश सिन्हा जहां रहते हैं वो दिल्ली का पॉश इलाका है लुटियन जोन। ये इलाका बाकी दिल्ली की अपेक्षा बहुत शांत और सुंदर है, लिहाजा इस सुंदर जगह पर बंदरों ने अधिकार जमा लिया है। यहां हर शाख पे बंदर होता है, अब कब कौन सा बंदर किसकी दीवार फांद जाए कुछ नहीं कह सकते। समस्या बड़ी है और डर समस्या से भी बड़ा है। वैसे आपको बताएं कि दिल्ली में बंदरों की तादाद बढ़ती जा रही है। 2018 में दिल्ली में बंदर काटने के 918 मामले सामने आए। 2018 में ही नगर निगमों ने कुल 878 बंदर पकड़े थे, मगर फिलहाल बंदरों की तादाद ज्यादा है और उन्हें पकड़ने का काम कम। शायद यही वजह है कि बंदरों ने लुटियन जोन में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। आगे बढ़ते हुए अब बात बारिश और बाढ़ की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कल से आसमान से लगातार आफत बरस रही है। इतनी मूसलाधार बारिश कि नर्मदा से लेकर तमाम नदियां उफान पर हैं। सूबे के कई शहरों से बाढ़ और बारिश की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सितंबर के महीने में बारिश का ऐसा सिद्ध कि लोगों की जान पर बनाई। उज्जैन के बरखेड़ा गांव की ये तस्वीर। 3 युवक बाइक के साथ उफनते नाले को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी के बहाव के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। बाइक बह गई, साथ में एक युवक। शुक्र है युवक तैरना जानता था, उसकी जान बच गई। मूसलाधार बारिश से उज्जैन का बुरा हाल। जीवनदायिनी क्षिप्रा नदी रौद्र रूप में बह रही है। घाटों पर बने मंदिर पानी में डूब गए हैं। इलाके में 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। उज्जैन की तरह ही विदिशा का बुरा हाल है। इस कार को देखिए, सोतिया रेल अंडर ब्रिज के नीचे इतना पानी भरा कि कार पानी में फंस गई। भारी बारिश से विदिशा की सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। कई कॉलोनियों में पानी भर चुका है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में विदिशा में 178.5 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। विदिशा में बारिश किस कदर कहर बनकर टूटी है उसकी एक तस्वीर हम दिखाते हैं आपको। इंदिरा
कॉम्प्लेक्स हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं घरों के अंदर पानी जो है बारिश के बाद वो भर गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने, ये पूरा गैरेज है जिसमें पानी घुस गया है। ये साइकिल आप जखी हुई देख रहे हैं, गेंद तैर रही है। ये तस्वीर हम बताने के लिए इस घर के अंदर घुसे हैं कि किस हद तक बारिश के बाद जो तालाब नीमताल है जो ओवरफ्लो हुआ उसके बाद, देखिए सामने ये पूरे घर के अंदर की तस्वीर है। सामने सीढ़ियों आप देख सकते हैं, सीढ़ियों तक पूरा का पूरा पानी घुस चुका है। और यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो लोगों ने अपना सामान जो है वो रख दिया है। ये एक शख्स है जिनके घर में हम इस वक्त दाखिल हुए हैं, बता रहे अंदर भी पानी है, अंदर भी पानी है भाई साहब यहाँ पे। ये देखिए आप, बाहर इन्होंने पूरा सामान यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि पूरा का पूरा अंदर घर जो है वो तालाब में एक तरीके से तब्दील हो गया है। ये घर के अंदर की तस्वीर देखिए, बहुत भयानक पानी भरा है और इनका जो 1508 के ऊपर पानी जा रहा है, 1508 तक इनको मुआवजा मिल चुका है, लेकिन अब फसल जो इनकी खराब हुई पूरी। न सिर झुका के जियो, न मुंह छिपा के जियो। कांग्रेस नेता संजय झा के गाने के इसी बोल से पार्टी को आगे आने का वो लगातार संदेश दे रहे हैं। संजय झा ने खुद गाना गाते हुए हमराज फिल्म का गाना ट्वीट किया, जिसे सुनकर बीजेपी भी वाह वाह करने लगी। और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। न मुंह छिपा के जियो और न सिर झुका के जियो। सुनील दत्त पर फिल्माए गए हमराज के इस गाने को गाकर कांग्रेस नेता संजय झा अपनी पार्टी और उसके नेताओं को बड़ा मैसेज दे रहे हैं। मैं ये गाना अपने कांग्रेस पार्टी के जो मेरे मित्र हैं, मेरे सदस्य हैं, मैं उनके लिए गाना चाहता हूँ। हताश न हो, निराश न हो, कल हमारा है। न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छिपा के जियो और न सर झुका के जियो। ऐसे समय में जब बीजेपी केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ काबिज है और कांग्रेस पार्टी मुश्किलों में घिरी है, इस कदर घिरी है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में 100 दिन पूरे होने पर पीएम मोदी ही उन पर तंज कर रहे हैं। और 100 दिन में कुछ लोगों तो समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ लोग तो चुनाव पराजय से इतने बेहाल है कि मन सुन्न हो गया है उनका। पीएम मोदी का इशारा साफ है कि कांग्रेस विपक्ष की जिम्मेदारी निभाती नजर नहीं आ रही है। आर्थिक मोर्चे पर जब विपक्ष सरकार को मजबूती से घेर सकता था, तब भी उसके बड़े नेताओं का कहीं अता पता नहीं है। राहुल गांधी महज ट्विटर पर तंज कसते हुए सरकार को घेर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया से बाहर आकर जमीन पर कब नजर आएंगे। इसी सवाल के जवाब में संजय झा अपने नेताओं का हौसला इस गाने से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। 4 महीनों की जद्दोजहद के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का पद वापस गांधी परिवार को सौंपने का मुद्दा हो या फिर 3 तलाक से लेकर कश्मीर से 370 हटाने पर कांग्रेस का ढुलमुल रवैया और अब चिदंबरम की जेल यात्रा, कांग्रेस अपने आप में ही इतनी उलझी है कि उसके सवालों का जवाब देने की जरूरत सरकार के मंत्री भी नहीं समझ रहे। जो 100 दिन में 90 दिन कहा थे इसी का पता नहीं है, उनके रिएक्शन पे मैं क्या बोलूं। कभी विपक्ष में रही बीजेपी सरकार में रहकर भी हमलावर है, जबकि विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं दिख रहा है। ऐसे में संजय झा अपने बड़े नेताओं को याद दिला रही हैं कि एक दौर था जब हमराज के इसी गाने को सुनकर वो आगे बढ़े और अब तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्हें इससे सबक लेकर आगे बढ़ना है। हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के।